इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं विश्व मित्र परिवार, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हर उत्सव एक वृक्ष। विश्व मित्र परिवार मना रहा है वन महोत्सव 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हर उत्सव एक वृक्ष। विश्व मित्र परिवार के वृक्षारोपण महाअभियान से जुड़े 11 करोड़ वृक्षारोपण में आपकी हो भागीदारी। विशेष जानकारी vishwaparivar.org पर। मोबाइल नंबर है 9999466822। बिहार के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस पर रैली निकाली गई एवं स्थापना दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में नवादा में प्रखंड मुख्यालय में राजद प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में स्थानीय विधायक प्रकाश वीर के साथ राजद समर्थकों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एनडीए सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर साइकिल रैली निकाली। यह रैली स्थानीय विधायकों के आवास से शुरू होकर सतंग मोड़ होते हुए पूरे बाजार, राजसीवाला, पुरानी बस स्टैंड से लेकर बजरंग वली चौक से डाकबंगला चौराहा होते हुए पुनः विधायक के आवास पर समाप्त हुआ। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का 24वां स्थापना दिवस है। उन्होंने आदरणीय तेजस्वी यादव हमारे नेता प्रतिपक्ष हम सबों का नेता ने आह्वान किया कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम बिहार प्रदेश के तमाम पंचायतों में जिला मुख्यालय हो प्रखंड मुख्यालय हो आज राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में साइकिल यात्रा निकली हुई है कि केंद्र सरकार को आगाह करने के लिए सचेत हो जाओ कि अब जनता जो है किसान कराह रहा है, इस पर आप डीजल पेट्रोल का दाम पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल करो ताकि देश के किसानों और देश के आवाम को राहत मिले। वहीं दरभंगा में भी राजद के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर सभी पंचायतों से लेकर सभी अनुमंडलों एवं जिला मुख्यालय के सभी कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रकट किया। विरोधी दल के मुख्य सचेतक ललित कुमार यादव, दरभंगा ग्रामीण विधायक, प्रदेश महासचिव गोविंद यादव, रणवीर यादव, मोनू यादव, सोनू महतो, सोहन महतो, इंजीनियर जय मुखिया जी और सैकड़ों कार्यकर्ता ने रैली के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी का आगाज कर दिया है। राजद के प्रदेश महासचिव गोविंद यादव ने बताया कि सरकार गरीब विरोधी है और बढ़ती महंगाई कारण आमजन, खास करके महामारी कोरोना में गरीबों की कमर टूट चुकी है और एस पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई की वस्तुएं और महंगी हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर जो हमारे पार्टी का निर्देश दिया गया था साइकिल यात्रा निकालने का, डीजल पेट्रोल का जो पहली बार इतिहास में इस देश में ऐसा हुआ है डीजल से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत हुई है, जो सरकार मंडी है, जो सरकार गुरु है, उसको बदलना होगा। और बिहार का विधानसभा में लोग कहे कि जनता ने ठान लिया इस बार युवा सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार और माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र में नरसंडा चौक के समीप राजद पूर्व प्रत्याशी हैदर आजाद ने राजद नेताओं के साथ आरजेडी की 24वें स्थापना दिवस पर डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दामों में बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर साइकिल रैली निकाली। इस दौरान इस जुलूस को नेतृत्व कर रहे कांटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद प्रत्याशी हैदर आजाद ने कहा कि आज राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता जिला से लेकर प्रखंड एवं बूथ स्तर तक सड़क पर हैं डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ, और यह नरेंद्र मोदी और नीतीश की सरकार को ढाने का काम करके गद्दी से उतारने का काम करेंगे। बेरहमी सरकार जो गरीब गुरबा के देखने वाला नहीं है, ये महंगाई बढ़ा दिया है, इसलिए सब लोग हम लोग डीजल पेट्रोल पर जो दाम बढ़ा है उसके खिलाफ, जो महंगाई बढ़ा है उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के वार्ड से लेकर पंचायत तक, पंचायत से लेकर प्रखंड तक, जिला तक, सब लोग सड़क पर है महंगाई के खिलाफ। आज साइकिल चलावेंगे, एक आदमी कम से कम 5 किलोमीटर चलाएगा, यही नरेंद्र मोदी एनडीए के सरकार नीतीश कुमार के हम लोग ढा देंगे, उसके गद्दी से हटाएंगे, यही उद्देश्य है हम लोगों का। वहीं छात्र राजद राघोपुर के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर छात्र नेता प्रांजल यादव के नेतृत्व में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ साइकिल मार्च निकाला, जो गणपतगंज से NH 57 तक गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांजल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अविलंब पेट्रोल डीजल का मूल्य कम किया जाए, नहीं तो आज तो सांकेतिक रूप से विरोध किया गया, आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरे देश में डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि को लेकर ये आज साइकिल रैली निकाला गया था। पूरे देश में आज का जो स्थिति है कि आज
से पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि डीजल और पेट्रोल का दाम सेम हो, और इससे जितने भी हमको लगता है किसान को भी क्षति है, आम पब्लिक को भी क्षति है, इसी के विरोध में हम लोग डीजल पेट्रोल को जो मूल्य वृद्धि हो रहा है रेगुलर, इसी के विरोध में हम लोग साइकिल मार्च निकाले हुए थे। जब तक मूल्य वृद्धि में रोक नहीं लगेगा, कमेगा नहीं, तब तक राष्ट्रीय जनता दल का ये आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर उदय प्रकाश गोयत, प्रकाश यादव, बिंदी सादा, राजू दिवंशी, संजय यादव, रजनीश कुमार, राहुल यदवंशी, रुपेश कुमार, अंकित यादव, आशीष गुदसन यादव, दीपक यादव, नवीन कुमार, समाज आलम, आनंद आजाद, आजाद अंसारी, कामेश्वर पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।